बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ सुबह पंजशीर में सैलाब और तालिबान की सप्लाई रूट्स की बंदिश की वजह से अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने वहां पर तालिबान फौज पर हमले, उनको जानी नुकसान पहुंचाने और उनके कई अरकान को पकड़ने का दावा किया है। उनके मुताबिक ज़्यादा बारिशों की वजह से तालिबान के लिए काबुल और कंदहार से इमदाद आना मुश्किल था, इसलिए इन सूरत हाल का फायदा उठाते हुए तालिबान फौज पर हमला किया गया, जिनमें उनको बहुत ज्यादा नुकसान दिया गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये हमले मलक खान की क्यादत में हुए, जो तालिबान के सबका कमांडरों में से एक थे, जिन्होंने हाल ही में अहमद मसूद की क्यादत में कौमी मजाहमती महाज में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त सुबह पंजशीर में इस महाज के अहम रहनुमा है। इससे दो रोज कबल तालिबान ने मजाहिमती महाज को तबाह करने के लिए इन इलाकों में क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन ज़्यादा बारिशों की वजह से अभी तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया कि इन झड़पों में 20 से ज्यादा तालिबान निशाना बन चुके हैं और 10 से ज्यादा जख्मी है। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और मजाहिमती महाज के रहनुमा अमरुल्ला सालेह ने कहा कि उनके फौज ने मनसूबाबंदी के जरिए दर्जनों मुसल्ला तालिबान को गिरफ्तार किया है, लेकिन तालिबान हुकाम ने इन इतलाहात की सख्ती से तरदीद की कि इमारत इस्लामी की अफवाज को सुबह पंजशीर में मजाहिमती महाज ने नुकसान पहुंचाया है। वहां के सूबाई गवर्नर ने तस्दीक की कि मुतअद्दद रॉकेट हमले हुए, लेकिन इमारत इस्लामी की अफवाज के जानी नुकसान और जख्मी होने की इतलाहात गलत है। उनके मुताबिक ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। इमारत इस्लामिया के दस्ते पंजशीर के तमाम अजला में मौजूद है। गुज़िश्ता रात अपोजिशन फोर्स के जानिब से मुतअद्दद रॉकेट फायर किए गए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे कबल अफगानिस्तान से बाहर मुतअद्दद साबिका अफगान जिहादी और सियासी शख्सियात ने अफगानिस्तान की निजात के नाम पर मजाहिमत के आला कौंसल के एक ग्रुप तश्कील दिया है, जिसने 13 अगस्त 2022 को एक ऑनलाइन मीटिंग में अपने मंशूर का ऐलान किया। तालिबान की हुकूमत के आगाज के बाद गुज़िश्ता एक साल में तालिबान हुकूमत के खिलाफ बनने वाला ये सबसे बड़ा सियासी इतिहाद है। ये इतिहाद चंद माह कबल तुर्की के शहर अनकारा में अफगानिस्तान सालवेशन हाई कौंसल के नाम से बाज़ अफगान सियासतदानों ने कायम किया था, जिसमें वो लोग भी शामिल है जो तालिबान के सख्त मुखालिफ है। अफगानिस्तान के बचाव कौंसल ने 71 मजामीन पर शामिल अपने मंशूर में तमाम कबाइल की मुनसिफाना शिरकत और आज़ादाना शिपाप और मुनसिपाना इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। चार्टर में अपनी मुजाकिरात और मुकम्मल अबूरी निज़ाम के क़ियाम और मुंतखब हुकूमत, ख़वातीन के हकूक, खारजा पॉलिसी, मईशत और महफूज रहने का माहौल फराहम करने का जिक्र किया गया। इस मीटिंग में सियासी शख्सियत मोहम्मद यूनुस क़ानूनी ने कहा कि ये कौंसल आवाम के मुतहरक होने और सियासी दबाव की वजह से तालिबान को आवामी मुतालिबात तस्लीम करने पर मजबूर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनके दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक हर मीटिंग के इख्तिताम पर अगली मीटिंग के लिए एक लीडर का इंतखाब किया जाएगा। अहमद मसूद ने इस इजलास के दौरान कहा कि हम अफगानिस्तान में तालिबान से निजात का हल तलाश करने के लिए तमाम ग्रोहों को मुतहद करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी मुलाकातों की ज़रूरत तालिबान के खिलाफ मजाहिमत के लिए हमारी कौम की तैयारी है। इस मुलाकात में पड़े गए ऐलामी में कहा गया कि अफगानिस्तान के आवाम के साथ खड़े होने और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करने पर आलमी बरदरी के शुक्रगुजार है। तालिबान हुकूमत ने इस इजलास पर इंतहाई सख्त रद्दमल देते हुए इस कौंसल के अरकान को बदिनवान और अफगानिस्तान की बदकस्मती का सबब करार दिया। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि साबिका हुकूमत की सियासी शख्सियात के लिए आम माफी का ऐलान अब भी मौजूद है, लेकिन इन लोगों को काबीना के वजीरों को तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने इन लोगों को बागी करार देते हुए उनके जानिब से किसी भी रद्दमल का सख्ती से जवाब देने का ऐलान किया। उनके मुताबिक अमरीका खुद इस ग्रोह की परवरिश कर रहा है, जो उनके बकौल अफगानिस्तान में अंदरूनी इंतशार पैदा करना चाहता है। अमरीका ने तकरीबन 7,000 साबिक अफगान फौज को अमरीका भेजा और उन्हें अफगानिस्तान में मुस्तकबिल के मंसूबों में इस्तेमाल करने की तरबियत दे रहा है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।